नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। ऐसे तो आपने बहुत ही तरीके के उत्पम खाए होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल नए तरीके का स्वीट कॉर्न से उत्पम बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न, प्याज, धनिया पत्ता, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। सूजी, बेसन, नमक, कलौंजी और तेल लिए हैं। सबसे पहले स्वीट कॉर्न को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। हमें यहाँ इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि इसे इसी तरह दरदरा पीसना है। इसे कटोरे में निकाल लेंगे। इसमें 4 चम्मच सूजी, 4 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच कलौंजी, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगा। देखिए, सूजी फूल गया है और यह गाढ़ा भी हो गया है। इसे हमें यहाँ इतना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है, इससे ज्यादा इसे पतला नहीं करना है। अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, और अगर वह ज्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दें। तावा में तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इस पर हम बैटर डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसके ऊपर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, और गाजर डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे पलट देंगे और इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, ये दोनों तरफ से पक गया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। तो लीजिए, नए तरीके का हेल्दी और टेस्टी स्वीट कॉर्न का उत्पम तैयार है। धन्यवाद।